पोलर प्लॉट फॉर मिनिमम फेज सिस्टम, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। आपने पढ़ा, पहले भी अपन ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्या मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होते हैं। मैं वापस बता देता हूँ, मिनिमम फेज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके सारे पोल और जीरोज़ है, मतलब ऑल पोल एंड जीरो किस कहाँ लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट में। यानी कोई मिनिमम फेज सिस्टम है तो उसके जितने भी पोल है, जितने भी जीरो हैं, वो सारे कौन से रीजन में लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यदि कोई सा भी एक जीरो या कोई सा भी एक पोल यदि राइट हैंड साइड में पार्ट में यदि लाई करता है तो वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा, है ना। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज के लिए मैंने बता दिया। तो यानी कि मिनिमम फेज सिस्टम के सारे पोल और जीरो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। अब यदि अपने पास में कोई नॉन मिनिमम सॉरी मिनिमम फेज सिस्टम दे रखा है और उसका अपने को पोलर प्लॉट बनाना है, तो कुछ ट्रिक्स है, मतलब कुछ एक तरीके से एस्टिमेशन है जो उससे अपन बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो अपना पोलर प्लॉट का ये अपने पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट अपन ने क्या बोला था कि ये अपना जो रियल पार्ट है अपना जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का, अपन इस जो कोऑर्डिनेट है उसमें अपन जी ऑफ जे ओमेगा इमेजनरी और रियल पार्ट की एक्सिस जो है, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस का अपना एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे इसमें अपन पोलर जो है, पोलर जो प्लॉट है उसमें अपन मैग्नीट्यूड और फेज एंगल की वेक्टर, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके एंगल के हिसाब से ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको प्लॉट करते हैं। ये अपन ने देख लिया। अब यदि अपने पास में कोई मिनिमम फेज सिस्टम है और अपने को उसकी टाइप पता है, टाइप तुम्हें पता है, टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी कि एस पे कितने पोल है, एस इक्वल टू जीरो पे कितने पोल है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं टाइप। और ऑर्डर तुम्हें पता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस, हाईएस्ट पावर ऑफ एस, यानी यदि किसी सिस्टम का तुम्हें टाइप और ऑर्डर पता है और वो सिस्टम तुम्हारा मिनिमम फेज सिस्टम है, तो उसका पोलर प्लॉट बहुत ईजिली आप रफली ड्रॉ कर सकते हो, ईजिली केवल उसकी उसका जो इमेज है वो अप्रोक्सीमेट इमेज कैसी होगी। तो जो टाइप जीरो सिस्टम होता है उसमें हमेशा याद रखना, टाइप जीरो सिस्टम का पोलर प्लॉट यहाँ रियल एक्सिस पे किसी पॉइंट से शुरू होके ऐसे निकलता है, ये हमेशा याद रखना। टाइप जीरो सिस्टम के लिए, किसके लिए, टाइप जीरो सिस्टम के लिए रियल एक्सिस की किसी पॉइंट से इस वाले डायरेक्शन में से शुरू होता है टाइप जीरो सिस्टम होगा। तो टाइप वन सिस्टम होगा तो वो इधर अनंत से यानी कि -90 डिग्री से शुरू होता है, सही हो माइनस, तो टाइप वन अपन इधर से मान के चलते हैं, टाइप वन कि वो इधर से आएगा, टाइप वन सिस्टम होगा तो माइनस, क्योंकि उसका एंगल कितना होगा -90। यदि अपन टाइप टू की बात करें, टाइप टू के लिए एंगल कितना होगा -80, तो -180, तो -180 का मतलब वो टाइप टाइप वन इधर से आएगा, टाइप वन इधर से शुरू होगा, यानी कि अनंत, उसका मैग्नीट्यूड तो अनंत होगा लेकिन उसका एंगल कितना होगा, सॉरी टाइप टू उसका जो एंगल है वो कितना होगा -80, टाइप वन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इन्फिनिटी लेकिन एंगल क्या होगा -90। और फिर अपन यदि बात करें टाइप थ्री सिस्टम की, तो टाइप थ्री सिस्टम जो है उसका मैग्नीट्यूड तो इन्फिनिटी हो जाएगा लेकिन उसका एंगल कितना हो जाएगा -270, -270 मतलब ऐसे आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया टाइप थ्री सिस्टम। तो ये तो हो गया टाइप पे, टाइप यदि तुम्हारे टाइप जीरो है तो यहाँ से शुरू होगा, टाइप वन है तो यहाँ से इन्फिनिटी से शुरू होगा लेकिन उसका एंगल -90 होगा, यदि टाइप टू है तो उसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा लेकिन एंगल कितना होगा -180, और यदि टाइप थ्री है तो उसका एंगल कितना होगा -270 लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया टाइप। अब यदि अपने को ऑर्डर पता है तो ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पे वो टर्मिनेट कहाँ होगा, यदि अपने को ऑर्डर पता है तो अपने को ये पता है कि वो कहाँ जाके खत्म होएगा। जैसे कि यदि तुम्हारा सिस्टम क्या है, जीरो ऑर्डर का सिस्टम है, किसका है, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का सिस्टम है तो मतलब वो ऐसे आके यहाँ ऐसे ओरिजिन पे ऐसे खत्म होएगा, ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। सॉरी मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं होता। यदि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑर्डर पे डिपेंड कैसे करता है, ऑर्डर जीरो हो ही नहीं सकता, ये ऑब्वियस बात है, वो तो टाइप जीरो हो सकती है, ऑर्डर तो एटलीस्ट वन होएगा ही होएगा ना। तो यदि टाइप यदि ऑर्डर वन है, यदि ऑर्डर वन है तो अपना टर्मिनेट कहाँ होगा, जीरो पे, और उसका एंगल ऐसे आएगा, ये होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब यदि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो मेरा यहाँ से आएगा और टर्मिनेट होगा ओरिजिन पे, ये होता है मेरा सेकेंड ऑर्डर के लिए। और यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो ये ऐसे होगा थर्ड ऑर्डर, और ये है मेरा फोर्थ ऑर्डर, तो ये टर्मिनेशन पॉइंट है। यदि मेरा सिस्टम अपने को पता है टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री है तो ऐसे शुरू होगा, टाइप जीरो के लिए, टाइप वन के लिए, टाइप टू के लिए, टाइप थ्री के लिए। और यदि मेरा सिस्टम और यदि मेरा सिस्टम का ऑर्डर मुझे पता है तो मुझे पता होगा टर्मिनेट कैसे होगा, मतलब खत्म कैसे होगा। यदि फर्स्ट है तो यहाँ ऐसे खत्म होगा, सेकंड है तो ऐसे ओरिजिन पे खत्म होगा, थर्ड है तो ऐसे ओरिजिन पे खत्म होगा, फोर्थ ऑर्डर है तो ऐसे ओरिजिन पे खत्म होगा। तो यदि अपने पास में मिनिमम फेज सिस्टम दे रखा होता है तो अपन उसको बड़ी ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक मिनिमम फेज सिस्टम पर, जैसे उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में एक सिस्टम है 1/s, 1+ST1, 1+ST2, या टी वन टी टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपन जनरल मान के चलते हैं। तो
तो इस सिस्टम को ढंग से देखें तो इस सिस्टम का टाइप क्या है, यानी कि ओरिजिन पे पोल कितने, एक पोल है, तो एक पोल है यानी कि एस की पावर कितनी है, वन। एस की पावर वन है तो इसका टाइप कितना हो गया, वन। और ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो इसमें कितने तीन पोल है, हाइएस्ट पावर एस की कितनी है, एक दो और तीन, तो तीन हो गए, तो ऑर्डर इसके कितना हो गया, तीन। अब अपने पास में टाइप वन सिस्टम है, ऑर्डर तीन है, तो इसका अपने को पोलर प्लॉट कैसे बनेगा। अब प्रीवियस जैसे अपने देखा कि यदि टाइप वन सिस्टम है तो शुरुआत यहाँ से होगी, तो ये शुरुआत होगी भाई यहाँ से टाइप वन सिस्टम के लिए, और ऑर्डर तीन था तो अपन ने कहा था कि ये टर्मिनेट कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ से यदि शुरू हुआ तो इस बात इसको क्रॉस करके ऐसे खत्म होगा, तो ये ऐसे करके ये ऐसे खत्म हो गया, तो ये सिंपली बन गया आपने टाइप वन ऑर्डर थ्री सिस्टम का पोलर प्लॉट। तो यानी कि ये ओमेगा इक्वल टू जीरो से शुरू हुआ और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में खत्म हो गया, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजरी पार्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, सपोज करो ये वन अपॉन वन प्लस एस टी वन वन प्लस एस टी टू, तो इसको ढंग से देखें तो इसका टाइप कितना है, जीरो, कि ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है, और यदि